हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। होमिनिड के ही सेशन में हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होमिनिड, होमो सेपियंस नियंडरथैलेंसिस। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को 2 या 3 बार सुन लीजिए और फिर कोशिश करिए अपने वर्ड्स में लिखने के लिए। इससे आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ तैयार हो जाएगी और आप कभी भी फिर भूलेगा नहीं, और एग्ज़ाम में जब भी आएगा आप बिल्कुल बेझिझक लिख सकते हैं, ठीक है, बिना भूले हुए। तो चलिए देखते हैं नियंडरथल के बारे में। यू ऑल, ये देखिए दिख रहा है, एक थोड़ा सा शॉर्ट हाइट हाइट का शॉर्ट स्टेचर का एक मैन सा दिख रहा है, जिसका स्कल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मोटा सा, मोटा नहीं कह सकते लेकिन एक स्टाउट बिल्ट बॉडी है, ठीक है। ये देखिए, ये रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो होमो नियंडरथैलेंसिस कुछ इस तरह से दिखता रहा होगा, राइट। ये देखिए, ये नियंडरथल का स्कल है, ये देखिए, देख रहे हैं, चीक बोन देखिए, फोरहेड देखिए, सजाइटल क्रेस्ट, ऑसिपिटल क्रेस्ट देखिए, ठीक है। तो दिस इज नियंडरथल स्कल। इन होमिनिड इवोल्यूशन द थर्ड स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द नियंडरथल मैन, समझ गए। इसके पहले आपने देखा होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, एंड देन ये आप कह सकते हैं होमो हैबिलिस थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन अगर होमिनिड की आते हैं तो होमिनिड के सीरीज में होमो हैबिलिस या होमो इरगैस्टर, जिसे किसी किसी साइंटिस्ट ने या पुराने थॉट के अनुसार होमो इरगैस्टर भी उसे कहा गया है। आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस में मैंने उसके बारे में डिटेल बता रखा है, जिसके थर्ड सीरीज में आता है होमो नियंडरथल, ठीक है। अगर कल्चर की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू कल्चर कॉन्टेक्स्ट दैट वॉज द मिडिल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर को जो फॉलो करते थे वो है नियंडरथल, ठीक है, विच करिस्पॉन्ड टू माउस्टेरियन कल्चर। यूरोपियन टर्म्स में उसे कहा गया है माउस्टेरियन कल्चरल फेज, ठीक है। ये हम आर्कियोलॉजी में डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी की, भाई पहले डिस्कवर हुआ, फिर इसे हम समझे, फिर इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ, आज भी डिस्कवरी हो रहा है, एक्सकवेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम स्कल को डिवाइड करते हैं, फाइंडिंग्स को रखते हैं, किस एज का रहा होगा, कब कब पाया गया रहा होगा, इसका कल्चर कैसा होगा, दैट इज ऑल अभी भी स्टिल कंटिन्यू है। तो देख रहे हैं, जो सबसे पहले स्कल पाया गया था वो है 1856 में, अ स्कल कैप एंड सम लोअर बोन वेयर अनअर्थन फ्रॉम द वैली नोन एज नियंडरथल इन जर्मनी। तो पहला जो पाया गया था वो सबसे पहले नियंडरथल वैली में ही पाया गया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया नियंडरथल, ठीक है। सिंस दैट टाइम सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज ऑफ न्यूमरस फॉसिल फाइंड्स वेयर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू नियंडरथल। इसके बाद तो पूरी दुनिया से कहीं कहीं ना कहीं से एक्सकेवेट होता रहा और नियंडरथल के स्पेसिमेन डिस्कवर होते रहे, फॉसिल्स डिस्कवर होते रहे, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ फॉसिल्स के डिस्कवरीज को लिख रखा है, जैसे यूरोप में डसलडॉर्फ, जर्मनी में नियंडरथल नाम दिया गया, इसमें स्कल कैप और ए फीमर लॉन्ग बोन पाया गया। वीमर जर्मनी में एरिंसडॉर्फ नाम दिया गया इसको, जिसमें 2 मैंडिबल और फ्रैगमेंट ऑफ स्कल पाया गया। फिर अगेन जो है वीमर जर्मनी में ही एरिंसडॉर्फ 2 नाम दे दिया गया, इसमें भी कुछ स्कल फ्रैगमेंट पाए गए। उल्टेनबर्ग स्टीनहैम स्कल विदाउट लोअर जॉ, ठीक है। जिब्राल्टर में फिर पाया गया, क्रोएशिया, यूगोस्लाविया, क्रेपाइना, ठीक है। क्रेपाइना जो है आपका आ जाता है प्रोग्रेसिव स्कल नियंडरथल में, स्केलेटन फ्रेगमेंट, ठीक है। कॉरेंस फ्रांस ला सपेलाक्सेंट में, ये आपको पता है ला सपेलाक्सेंट, डोवडोगने, ला माउसियर, ये सब आपके सिलेबस में भी यही है सब स्केलेटन। डोवडोगने, ला फेरेसी स्केलेटन ऑफ 2 एडल्ट चैम्बर, कॉरेंट फ्रांस। तो हमें काफ़ी कुछ डिटेल नियंडरथल के बारे में पता है, उसके बरियल को लेके, उसके रिलीजन को लेके, उसके फूड हैबिट्स को लेके, उसके कल्चर को लेके। तो सारी चीज़ें, ये हो गई आपकी डिस्कवरी, कहाँ कहाँ क्या फाइंडिंग्स हुआ। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा पॉइंटेड करके लिख लिया, कई बार पूछ लेता है कहाँ से क्या,
तो आपके समझने के लिए, खुद के समझने के लिए जरूरी है जानना कि स्पेशली कहाँ कहाँ से पाया गया। उज्बेकिस्तान में भी पाया गया कुछ स्कल, अफ्रीका के मोरक्को में टैंजियर्स करके एक जगह थी जहाँ पे नियंडरथल का अपर जॉ पाया गया। ठीक है, अब इसका फीचर्स देख लेते हैं जो इसको नियंडरथल बनाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नियंडरथल के स्पेशल फीचर्स हैं, फर्स्ट है शॉर्ट स्टाउटी बिल्ट एंड यूज टू हैव पावरफुल मसल्स। अभी मैंने आपको एक मैन का स्ट्रक्चर दिखाया था नियंडरथल मैन का, जिसमें आप देख रहे थे बहुत पावरफुल बॉडी दिख रही थी थोड़ा सा, और थोड़ा स्ट्रेचर उसका शॉर्ट था। ठीक है, लार्ज ब्रेन था बट नो लॉन्गर रिलेटिव टू बॉडी साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज ब्रेन, ब्रेन लार्ज तो था लेकिन बॉडी साइज से रिलेटिवली वो बड़ा नहीं था। ठीक है, दे वेर हैवली टॉलर देन मॉडर्न मैन। ठीक है, ये मॉडर्न मैन जो आज होमो सेपियंस है उससे थोड़े से टॉल थे और हैवी थे। लॉन्ग लो क्रेनिया, क्रेनिया इनका लो था, लो प्लेस था, नीचे प्लेस था, यानी अगर स्कल की बात की जाए तो अपर पॉइंट ऑफ द स्कल इज लो। प्रोजेक्टिंग फेस था, आपने देखा स्कल में उसका फेस प्रोजेक्टिंग है। ऑसिपिटल बेस प्रेजेंट। ठीक है, मैक्सिमम ब्रेथ एट द अपर साइड ऑफ द स्कल, अगर ब्रेथ मेजर किया जाए तो स्कल के अपर साइड में ही मैक्सिमम ब्रेथ आता है। ठीक है, ब्राउ रिजेस आर्च ओवर द ऑर्बिट, ऑर्बिट के ऊपर जो ब्राउ रिजेस है वो आर्च बना रहे हैं। ठीक है, चिन एब्सेंट है, आपने देखा था ना चिन एब्सेंट। फ्रंट इंटीरियर टीथ आर लार्जर विथ हैवी वियर इंडिकेटिंग लेस मैस्टिकेटरी एबिलिटी, जो आगे के टीथ हैं उनमें बहुत हैवी वियर पाया जा रहा है, ये क्या बता रहा है कि मैस्टिकेटरी एबिलिटी थोड़ी कम थी, वो च्यू थोड़ा कम करते थे। ठीक है, अगर कम उसके ऊपर पाया जाएगा जो एंटीरियर टीथ है उस पर अगर स्क्रैचेस ज़्यादा पाए जाएंगे, इट मीन्स उनका वो च्यू ज़्यादा कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ ऐसा नहीं है, इनके पास जो वियर थे, वियर एंड टीयर एंटीरियर टीथ पे वो कम थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रोबेबली यूज रॉ एंड चॉफ फूड, कच्चे यूजली रॉ एंड चॉफ फूड ही यूज करते थे, यानी फायर का इस्तेमाल वो थोड़ा कम ही करते थे। प्रोबेबली इन्फ्लुएंस देयर फेशियल प्रोग्नोस्टिसिज्म, आपने देखा था फेशियल प्रोग्नोस्टिसिज्म, ये देखिए दिख रहा है ना फेशियल प्रोग्नोस्टिसिज्म, माउथ की तरफ थोड़ा सा उभार है ना, दैट इज कॉल्ड फेशियल प्रोग्नोस्टिसिज्म। द बेस क्रेनियम इज प्रिमिटिव, जो क्रेनियम का बेस है वो थोड़ा प्रिमिटिव ही है, इस ये सजेस्ट करता है कि लेसर डेवलपमेंट ऑफ फेरेंजियल एंड लैरेंजियल एनाटॉमी, यानी अगर स्कल का बेस देखा जाए यानी जॉ के पीछे का पार्ट, तो वो देखा गया कि ये थोड़ा सा रिलेटिवली एंशियंट है, यानी प्रिमिटिव है, यानी इनका थोड़ा सा साउंड और लैरेंजियल और फेरेंजियल एक्टिविटी, थोरेक्स और ये सारा कुल लैरिंग्स वगैरह थोड़ा कम डेवलप था। ठीक है, यानी इट हैज़ दे हैव रेस्ट्रिक्टेड साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स रिपोर्टिंग। ठीक है, वही बात कही गई है कि इनके पास थोड़े साउंड प्रोड्यूसिंग सिस्टम थोड़ा कम डेवलप था। ठीक है, द पोस्ट क्रेनियल बोन, अब क्रेनियम के आगे अगर बढ़ते हैं तो पोस्ट क्रेनियल बोन के बारे में देखते हैं, हैव ए थिक कॉर्टेक्स एंड जॉइंट सर्फेसिज आर मैसिव, तभी तो स्टाउट बिल्ड बॉडी है, तो बोन का कॉर्टेक्स क्या था थिक था और सर्फेस क्या थे जॉइंट सर्फेसिस वो बहुत ही हैवी थे। ठीक है, मसल इंप्रेशंस हैवी है, हैंड बोन सजेस्ट ग्रेटर ग्रेस्पिंग एंड मैनिपुलेटिव एक्टिविटी, हैंड बोन क्या था हैंड बोन का जो था वो उनका मैनिपुलेटिव एक्टिविटी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, डिस्टल लिम्ब आर शॉर्टर देन प्रॉक्सिमल लिम्ब, इसका क्या मतलब है कि आगे की तरफ का बोन, यानी अगर हम हाथ की बात करें तो जो पीछे रेडियो अल्ना है वो शॉर्टर थे और पीछे का ह्यूमरस क्या था वो लंबा है, डिस्टल लिम्ब आर शॉर्टर देन द प्रॉक्सिमल लिम्ब। ठीक है, द प्यूबिक बोन्स आर लार्जर देन द मॉडर्न सेपियंस, प्यूबिक बोन्स थोड़े से लॉन्गर थे मॉडर्न सेपियंस से, इसका मतलब क्या निकलता है कि लार्जर बॉर्न बेबी विथ लार्जर जेस्टेशन पीरियड, यानी उनका जेस्टेशन पीरियड शायद ज़्यादा होता होगा क्योंकि प्यूबिक बोन लार्जर है, यानी हम होमो सेपियंस में अगर 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड है तो उसमें शायद 12 या 13 का होता होगा। ठीक है,
ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो नियंडरथल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप आपको पूछा जाएगा नियंडरथल फीचर्स बताइए, तो सिर्फ नियंडरथल फीचर्स बताएंगे, कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे कैरेक्टर को। होमो इरेक्टस के एक सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जो उसे होमो इरेक्टस बनाते हैं, होमो नियंडरथल के एक सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जो उसे नियंडरथल बनाते हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट फीचर्स लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक ना लिखने की बजाय अगर आप 4-5 पॉइंट ही सिर्फ उस पर्टिकुलर स्पीसीज के कैरेक्टर लिखते हैं तो यू विल गेट द फुल मार्क। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाए आंसर टू द पॉइंट लिखिए। प्लीज़ डोंट व्हाट यू सेड टीचर को या इन्विजिलेटर को इवेल्युएटर को से भ्रमित मत कीजिए, ठीक है। फाइंडिंग्स हुए हैं अगर उसे केयरफुल ऑब्जर्वेशन किया जाए तो हमें दो टाइप का हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है क्लासिकल नियंडरथल, दूसरा है प्रोग्रेसिव नियंडरथल। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।